seeds that we use in our food are cumin seeds. जैसे कुछ और बीज हैं जो पौधे से प्राप्त होते हैं जिसका प्रयोग हम भोजन में करते हैं, जैसे कुमिन सीड जीरा है, फेनुग्रीक सीड्स मेथी है, पेपर मिर्च है एंड कार्डमम छोटी इलायची, इसका प्रयोग अपने भोजन में सामग्री भोजन सामग्री के रूप में करते हैं या मसाले के रूप में करते हैं। कैन यू नेम ए फ्यू फूड आइटम्स मेड एट योर होम आउट ऑफ सीड्स? क्या आप अपने घर पर कुछ भोजन का नाम भोज्य पदार्थ का नाम बता सकते हैं जिसमें बीज का प्रयोग नहीं होता है? सम सीड्स लाइक बीज आर ईटन डायरेक्टली, कुछ बीज ऐसे हैं जिसको हम डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से खाते हैं, जैसे मटर है, मटर हम डायरेक्ट पौधे से उसके छिलके से दाने निकाल कर हम उसे खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सीड्स लाइक पेपर एंड नट मेड आर यूज्ड एज अ स्पाइस, कुछ बीज है जैसे पेपर है, मिर्च काली मिर्च है, नट मेड है जिसका मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वी एक्सट्रैक्ट द एडिबल ऑयल फ्रॉम द सीड्स ऑफ सनफ्लावर एंड आलमंड, कुछ बीज ऐसे हैं जिससे हम ऑयल प्राप्त करते हैं, जैसे सूरजमुखी है और आलमंड। या ग्राउंड नट, इसका इस्तेमाल हम बीज प्राप्त इसके बीज से हम तेल प्राप्त करते हैं और भोजन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। स्टेम्स, अब हमें ध्यान देना है कि पौधे का एक और हिस्सा है जिसको हम स्टेम कहते हैं, तना कहते हैं, उसका प्रयोग भी हम भोजन के रूप में करते हैं जिसे नीचे बताया जा रहा है। If you eat the stems of a number of plants, हम बहुत असंख्य पौधों के तनों का प्रयोग तनों को हम खाते हैं। Can you guess a few of them? क्या उसमें से कुछ का आप बता सकते हैं, थोड़े का नाम बता सकते हैं? Potato, garlic and onion are all stems that grow underground. आलू है, garlic है, garlic यानी लहसुन, प्याज के पौधे का वो हिस्सा होता है जिसको हम स्टेम कहते हैं, तना कहते हैं, ये जड़ नहीं होता है, तना होता है पौधे का, ये तना होता है जिसका जिसको मिट्टी में हम उगाते हैं, मिट्टी के अंदर उगाते हैं और उसे भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पौधे के तना को भी हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इवन सिनामन which is used as a spice is obtained from the bark of the cinnamon tree. जैसे cinnamon, इसका उपयोग हम मसाला के रूप में करते हैं, cinnamon tree के छाल से प्राप्त होता है। Apart from these usual stems, we eat asparagus, suran and bamboo shoots too. इसके अलावा हम पौधे के कुछ ऐसे कुछ पौधे हैं जिनके तने का हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे सुरन है या बम्बू सूट है, बम्बू की कोमल कोमल तने हैं जिसका प्रयोग हम सब्जी के रूप में करते हैं, उसे खाने के रूप में करते हैं। रूट्स, जड़, रूट का मतलब होता है जड़, पौधे का सबसे निचला हिस्सा जो मिट्टी में रहता है उसको जड़ कहा जाता है। हम लोग
पौधे की जड़ को भी भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स आर आल्सो यूज्ड एज फूड। कुछ पौधे के जड़ का भी हम लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं या खाते हैं। व्हेन यू ग्रेस ए फ्यू ऑफ देम, क्या उनमें से थोड़े को आप रूमाल लगा सकते हैं? कैरेट्स, टर्निप्स, रेडिश, बीट रूट एंड स्वीट पोटैटो आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रूट्स दैट वी ईट एज फूड। जैसे गाजर है, सलजम है, मूली है, बीटरूट है और शकरकंद है, ये जो है पौधे के जड़ होता है जिसे हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक द स्वीट पोटैटो आर यूज्ड इन मेकिंग स्वीट्स। कुछ पौधे का जड़ जैसे स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद है जिसे मिठाई बनाने के काम में हम लाते हैं। इन इंडिया गाजर का हलवा इज ए स्वीट डिश मेड फ्रॉम कैरट्स। हमारे देश यानी भारत में गाजर का हलवा एक लोकप्रिय आइटम है, फूड आइटम्स है जो गाजर से बनाया जाता है। ये बहुत ही मधुर भोजन है। नट्स, नट्स आर फ्रूट्स दैट हैव ए हार्ड आउटर कवर। नट भी फल होता है, सूखा फल जिसके ऊपर बहुत कड़ा आवरण होता है, कवर होता है। दे आर हाईली न्यूट्रिशस, ये बहुत इसमें उत्तम पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, बहुत पर्याप्त मात्रा में इसमें पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉलनट्स, हाइजल नट्स एंड चेस्ट नट्स, ये जो है नट्स के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। ये हमारे देश के कुछ हिस्सों में इस तरह के फल उगाए जाते हैं और हमारे देश के हर बाजारों में उपलब्ध है।